हर मरहले से लेके जाऊं। सबसे पहले क्या हुआ, रिजीम चेंज हुई, रिजीम चेंज की पूरी साजिश हुई। मुझे पता उस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, किसने क्या प्लानिंग की, क्या उनकी सोच थी, कैसे उन्होंने पैसा चलाया, कैसे हमारे एक आदमी ने फैसला किया गवर्नमेंट गिराने का, कैसे उसने जब हुक्म किया तो हमारे एलाइज हमारे से हटे, कैसे हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में हमारे बैक बेंचर्स को बुला बुला के बातचीत की गई, उनकी मीटिंग्स की गई, और वो सबसे पहले वो लौटा हुए, कैसे उनको पैसे मिले, ये सारा अब अवाम सब समझ गई है कि ये हुआ क्या था। गवर्नमेंट गिरा दी, 9 अप्रैल को गवर्नमेंट गिर गई, लेकिन जो 10 अप्रैल को हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफा एक इस तरह का मंजर कौम के सामने आया। और वो क्या हुआ, पहली दफा पाकिस्तान की कौम सड़कों के ऊपर आई, लाखों लोग सड़कों पे आए और सारे लाखों लोगों ने एक बात कही कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये कभी भी जो प्लान कर रहे थे, जो रिजीम चेंज के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जिन्होंने सारी प्लानिंग की, ये कोई भी नहीं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में ये होगा, क्योंकि कभी पहले ही नहीं हुआ था। गवर्नमेंट्स गिराई जाती थी, मिठाइयां बांटी।